तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे एक और नई वीडियो में। यहाँ सबसे पहले हम पांच वेल्क्स छोड़ेंगे, उसके बाद चार हीलर्स, उसके बाद ग्रैंड वार्डन को ग्राउंड पर करके छोड़ेंगे। ये चार पांच हीलर्स छोड़ के, उसके बाद चारों छोड़ के, उसके बाद ग्रैंड वार्डन छोड़ के, अब देखिए सात वेल्क्स और छोड़ेंगे कि ये एक्टिवेट ना हो जाए। नहीं तो सब एक साथ छोड़ते कौन डैमेज आ जाता। और जब लास्ट के एक्सपो दो बचेंगे तब यहाँ पे एक हॉक छोड़ेंगे कि सीसी बार आ जाए। ये दो एक्सपो, ये 2015 का चैलेंज है, 2015 का। अब ये हो गया टेस्ट और ये सीसी बाहर निकलेगा। अब एक जो पॉइजन स्पेल है वो विचेस पे छोड़ेंगे हम, स्केलेटन्स पे नहीं छोड़ेंगे। स्केलेटन का कोई मतलब ही नहीं, स्केलेटन अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर देंगे वेल्क्स, क्योंकि अब वो हैं विचेस हैं, उन पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये छोड़ दिया विचेस पे जब ऐसी ये दीवार से बाहर आए। अब हम क्या करेंगे, जो हॉक्स है दो हॉक्स छोड़ देंगे तो ये क्लियर करता रहेगा, ठीक है, उनको जाने दो। और जैसे ये हीरोज तक पहुँचेंगे तब हम इन पर पॉइजन छोड़ देंगे, हीरोज पे एक, इनको तोड़ने दो। वहाँ से हॉक्स ने तोड़ दिया। अब यहाँ से ये बची हुई सारी वेल्स इस साइड छोड़ देनी है जब ये हीरोज पे आ जाए। ओह शिट, पॉइजन छोड़ना तो भूल ही गए। अरे यार क्या हो रहा है, ये हीरोज हमने इस साइड छोड़ दिए, बचे हुए दो हॉक्स इस साइड और तीन यहाँ छोड़ दिए हॉक्स हमने। अब ये जो हेस्ट पहले हम यहाँ छोड़ देंगे तीन लाइन में, और अर्थक्वेक को हम ऐसे घुमा घुमा के डालेंगे, और हेस्ट तीन लगातार लाइन में छोड़ देंगे, इनको स्पीड मिल जाएगी। फिर इन्फर्नो अपने आप तोड़ देंगे, अब देखते जाइए। बाकी दोस्तों अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी ये जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया 100%। यस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।